बाउंश मानव जाति द्वारा व्यवहार करा पारंपरिक निर्माण सामग्री अटे। बाउंश रे काठ इटा बा कंक्रीट रो तुलना रे कंप्रेशन अधिक होइथाय ओ एहर टेंसाइल स्ट्रेंथ मध्य स्टील सहित समान होइथाय। एहा निर्माण सामग्री रो गोटिए उत्तम विकल्प अटे जहाँ परिवेश अनुकूल सस्टेनेबल रिन्यूएबल ओ व्यापक भाव में उपलब्ध अटे। पूरा दुनिया रे काठर चाहिदा तीव्र गति रे बढ़ुछि हेले काठर सप्लाय कम होउछि। बाउंशर निज गुण कारणरु निर्माण कार्य रे काठ ओ अन्य सामग्री जगारे व्यवहार आरंभ हो जाइछि। पूर्वरु केवल गोल बाउंशर व्यवहार निर्माण सामग्री भाबे करा जाउथिला। किंतु एबे रासायनिक पद्धति द्वारा उपचारित बाउंशरु अनेक प्रकार निर्माण सामग्री रो उद्योगिक उत्पादन आरंभ हो जाइछि। ता सहित निर्माण कार्य रे बाउंशर उत्तम व्यवहार द्वारा नुआ अनुसंधान मध्य करे जाउछि। एबे बाउंशरु फ्लोर रो टाइल्स डोर ओ डोर रो फ्रेम झरकार फ्रेम ओ झरकार वाल रो प्यानेल कोरोगेटेड सीट्स माने छात पई नालीयुक्त चादर इत्यादि तयारी करे जाउछि। ग्रीन बिल्डिंग रो बढ़ुतिबा प्रचलन सहित ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल रो व्यवहार बढ़ी जाइछि। काठ ओ अन्य सामग्री उपरे निर्भरता कम करबा पई तथा ग्रीन बिल्डिंग वृद्धि करबा पई बाउंशर निर्माण सामग्री रो व्यवहार करे जाउछि। यह उचित समय अटे कि आमे मध्य बाउंशरे तयारी निर्माण सामग्री रो व्यवहार बढ़ाइबा बा एहार निर्माण करबा ओ बिक्री करी लाभ कमेबा। बाउंशर अनेक प्रकार इंजीनियर्ड बांबू तयारी करा जाए जेमिति कि बांबू मैट बोर्ड स्ट्रैंड ओवन बोर्ड बांबू स्ट्रिप बोर्ड बांबू पार्टिकल बोर्ड बांबू वीनियर। इंजीनियर्ड बांबूर रूप और निर्माण अन्य कौन सी काठ भली ही होइथाए। एथिरु तयारी गृह निर्माण सामग्री रो गुणवत्ता और दृढ़ता काठरु अधिक होइथाए। बंबुसा बल्कोआ बंबुसा न्यूटन्स और बंबुसा पॉलीमोर्फा कंस्ट्रक्शन और निर्माण कार्य पाई आइडियल कहा जाए। अन्य काठ गछर वृद्धि रे जेउठी समय लागि जाउछि सेपटे बाउंश 3-5 वर्ष रे ही परिपक्व हो जाए। ता सहित यार वाटर रेजिस्टेंस रिसाइक्लेबल तथा कीटनाशक हेबा एहाकु इम्पोर्टेंट करिथाए। निर्माण कार्य पई बाउंश 3-5 वर्ष हेबा दरकार ओ ता सहित सुखिला पागरे कटा हेबा उचित। बाउंश कटा हेबा परे सूर्य आर्द्रता ओ वर्षारु रक्षा करी रखा जाइथाए ओ ता ठीक भाबरे उपचारित हेइ परे। बांबूड्रु अलग अलग प्रकार प्रडक्ट्स आम याचु जमीक फ्लोरींग इंटीरियर पर बहुत भल प्रडक्ट अटे जार थर्मल कंडक्टिविटी बहुत भल अटे। पुणी आम वॉल क्लैडिंग तैयारी करूँ जहाँकि ऑडिटोरियम मीटिंग हॉल रेसिडेंशियल सब जगह यूज होता है आर एकोस्टिक प्रॉपर्टी भल थाए। पुणी आज जाए डोर और डोर फ्रेम्स गोटे गोटे बेसिक नेसेसिटी आमर थाए जमीक गोटे कि आपार्टमेंट बनैला कि कौन से रेसीडेल बनैले गोटे मुख्य सेगमेंट अटे। तापर आसे फर्नीचर सेगमेंट जोटी अनेक प्रकार फर्नीचर आम तैयारी एवं रेसीडेल हौ बा ऑफिशियल ताहा इंस्टीट्यूशनल टाइप फर्नीचर यही टाइप सब फर्नीचर आम बनई था फ्रम बांबूड। बाउंशर अनेक प्रकार इंजीनियर्ड बांबू तैयारी करा जाए जमीक बांबू मैट बोर्ड बांबू लैमिनेटेड बोर्ड बांबू उड। बांबू लैमिनेटेड बोर्ड बांबू उड तैयारी करिवार प्रक्रिया पाखापाखि समान अटे। केवल लास्ट प्रेशर प्रक्रिया रे पार्थक्य थाए जमीक हॉट प्रेस करिले बांबू लैमिनेटेड बोर्ड बा बांबू स्ट्रिप बोर्ड और कोल्ड प्रेस करिबा परे बेक करिले बांबू उड माने कि बांबू स्ट्रैंड ओवन बोर्ड तैयारी हुए। बांबू मैट बोर्ड प्लाईवुड बोर्ड भली होई थाए। मैट बोर्ड को पैनल पैनल डोर छात पार्टीशन वॉल इत्यादि भाबे उपयोग करा जाई परिबो। बांबू मैट रु कोरुगेटेड सीट्स मध्य तैयारी हुए। बांबू लैमिनेटेड बोर्ड और बांबू उड रु फ्लोर पई टाइल्स वॉल पैनल डोर और डोर रो फ्रेम इत्यादि तैयारी करा जाए। बांबू मैट तैयारी करिया पई इंडस्ट्री स्थापित करिबा पई पाखा पाखी 3.5 कोटी रो कॉस्ट लागिथाय। सेथिरु प्रतिवर्ष 1.29 लाख सीट्स तैयारी करा जाई परिबो। एही अनुपात रे छोटो इंडस्ट्री मध्य स्थापन होई परिबो। बांबू उड बा बांबू लैमिनेटेड बोर्ड तैयारी करिबा पई 4-5 कोटी टंकार प्राइमरी कॉस्ट
बा एथिरु तयारी सामग्री तयारी करिवा पई 40 लाख बा अधिक आवश्यकता थाए। बांबूड बा जनरल हार्डवुड रे बहुत बड़ा फरक रहिचे, कहेंगे ना आजिकाली आपण को मैच्योर्ड वुड मिलिबार जो पॉसिबिलिटी रहिचे ता बहुत कम। आपण जेबे भी को डिपो को जिबे से कहबे कि यह मैच्योर्ड वुड अटे, किंतु यह कथारे किछि ग्यारंटी नाही कि काठ मैच्योर्ड अटे, कहेंगे ना आपण देखि नांती ता केबे कटा हिचि। किंतु बांबूड विषय रे कहय गले आमे जो तीन चार प्रकार रे न तयारी करी गोटे प्रकार रो क्वालिटी और गोटे स्टैंड रो तयारी करू, एथिपाई आमे एकदम मैच्योर्ड क्वालिटी जहाँ कि 3-4 वर्ष रो बांबू यूज करी थाउ, एथिपाई आमर क्वालिटी जो रही बहुत सुपरियर क्वालिटी अटे। आउ आमे यार ट्रीटमेंट करी थाउ, बहुत इंटेंस ट्रीटमेंट करी थाउ पूर्व प्रोसेस आगुरु। यही प्रोसेस रे कौन होता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स जाय थाय बांबू रे ताहा मरी जाए। गोटे प्रोसेस थाए कार्बोनाइजिंग जो थे न्यूटन्स कार्मेलाइज हो जाए और द्वितीय ट्रीटमेंट प्रोसेस है बॉइलिंग। यही दुईट अलग अलग प्रकार ट्रीटमेंट्स अटे, आम दुईट रू गोटे करूँ, दुईट जाकर पर्पोज प्रोसेस सामान होता है से आमपाई दुईटा अप्सन रही आमर पर्पोज भी एका रही है। से आमर जो बांबू वुड्र जो लास्टिंग रही लंजिबिलिटी अच्छी गुड क्वालिटी आउ हार्डवर्क रु बहुत अधिका अटे। एक जदि साल बा टिक वुड सहित या तुलना करिवे बा विश्वस्तरीय किछि भी भल काठ सहित आपण स्ट्रेंड वुड हार्डनेस विषय रे जो बहुत भल अटे, या तेबे एही स्ट्रेंड वुड रा प्लस पॉइंट अटे। जेउठी जदि आमे एई कथा कहिबा ताहले एई जो कॉस्टिंग रा कथा जदि आसी तेबे जो कॉस्टिंग रा कथा आमे कहुचो तेबे एहा अन्य भल कथा बळी समान हेथाय। यार यूएसपी है टर्मिनल प्रूफ, बोरर प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, यही क्वालिटी को बहुत उत्तम करी थाए। आउ गोटे क्वालिटी है डिस्टेंसिटी, कहीं हाईली डेन्स कॉम्पैक्ट फाइबर रु तैयारी हो थरे प्रेस हेबा परे एहा बहुत शक्त हो जाए। अन्य हार्ड वुड तुलन रे एहार स्ट्रेंथ और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अधिक रही था प्रकृत में। एबे आम बाउंसरु स्ट्रेंड लैमिनेटेड बोर्ड और बांबू वुड तैयारी करिया रो प्रक्रिया जानिबा। प्रोसेस बांबू स्ट्रेंड ओवन बोर्ड तैयारी करिया पई सर्वप्रथमे बछा जायतिबा बाउंसी को कलमी रो क्रॉस कटिंग करा जायथाय। एही प्रक्रिया रे क्रॉस कटिंग करा जायथाय। एही प्रक्रिया रे क्रॉस कटिंग मशीन रो व्यवहार द्वारा बाउंसर कलमी को आवश्यकता अनुसार छोट बड़ खंड रे कटा जायथाय। यहाँ बाउंसर कलमी को मेसीन मध्यम समान और समतल पट्टी माने स्ट्रिप्स रे विभाजित करा जाए। प्राइमरी बांबू नट और स्किन रिमूवर एवं बाउंसर पट्टी को प्राथमिक भाव में नोट और स्किन कढ़ा जाए। यह प्रक्रिया को प्राइमरी बांबू नट और स्किन रिमूवर कह जाए। एथिपाई स्ट्रिप्स रो दुई साइड माने बाउंसर बाहर चिकन लेयर और भीतर गंठी को काढ़ी समतल कर दिया जाए। पर प्रक्रिया है सेकेंडरी बांबू नोड और स्किन रिमूवर, एथिरे पुणी बड़का नोड एवं स्किन को कढ़ा जाए था। एहा परे एही स्ट्रिप्स को क्रॉस करी फाइबर रूप में परिणत करा जाय थाए जहार फाइबर क्रसिंग कहा जाए। क्रसिंग परे एहा को काढ़ी करी कार्बोनाइजेशन पाई पठाई दिया जाए। कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा बाउंसर स्ट्रिप्स को ब्लीचिंग रो मिश्रण सहित भाटी रे गरम करा जाए। किछि जगह रे कार्बोनाइजेशन समय रे अलग अलग प्रक्रिया अपना जाय थाए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏହି ବାମ୍ବୁ ଫାଇବର୍ସକୁ ଶୁଖାଇବା, ଯାହାକୁ ସନ୍ ଡ୍ରାଇଂ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ବାମ୍ବୁ ଫାଇବରର ଷ୍ଟିମ୍ ଡ୍ରାଇରର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖାଯାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲରେ ଏହି ବାମ୍ବୁର ଫାଇବରର ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଠାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲଗାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବାମ୍ବୁ ଫାଇବରକୁ ଗ୍ଲୁ ଲଗାଇକି ମୋଲ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ତାପରେ ମୋଲ୍ଡରେ ଥିବା ଏହି ବାମ୍ବୁ ଫାଇବର୍ସକୁ ହଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ବାମ୍ବୁ ଉଡ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ବାମ୍ବୁ ଉଡ୍ର ବିମ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ବିମ୍ର ଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିନିସିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ପାଇଁ ସ୍ଲାଇସିଂ କରି ପ୍ଲାଙ୍କସ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ପ୍ଲାଙ୍କସ୍ର ସର୍ଫେସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପୁରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ କି ବାମ୍ବୁ ଉଡ୍ ମଜବୁତ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଲାମିନେଟେଡ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ହୋଇଥାଏ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ଓଭେନ୍ ବୋର୍ଡ ଏହା ବି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ଓଭେନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଦୁଇଟି ଯାକର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଓ ଫର୍ନିସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ଓଭେନ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତୁଳନା କରିବି, ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ଓଭେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ଓଭେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ବିଷୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ଓଭେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବେସ୍ଡ ଲାମିନେଟେଡ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ବାଉଁଶର ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ତିଆରି ହେବା ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାଉଁଶର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରି ତାକୁ ରେଜିନ୍ର ହେଲ୍ପ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରେସରରେ ରଖି ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉପଯୋଗ ପ୍ୟାନେଲ୍, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡୋର୍, ଛାତ, ପାର୍ଟିସନ୍ ୱାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ମ୍ୟାଟ୍କୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଦବାଇ କରୁଗେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଏହି ନାଳଯୁକ୍ତ ଚାଦର ଓଜନରେ ହାଲକା ହୋଇଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଗୁଣ କାରଣରୁ ଏହି ଚାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରୁମ୍କୁ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ବାମ୍ବୁ ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ବାମ୍ବୁ ଉଡ୍ ଓ ବାମ୍ବୁ ଲ୍ୟାମିନେଟେଡ୍ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଉତ୍ପାଦ ଯେମିତିକି କରୁଗେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ପ୍ୟାନେଲ୍, ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ, ପାର୍ଟିସନ୍ ୱାଲ୍ ଓ ଫ୍ଲୋର୍ ପାଇଁ ଟାଇଲ୍ସ, ୱାଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଡୋର୍ ଓ ଡୋର୍ର ଫ୍ରେମ୍ରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପିତ କରି ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନିଷର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଆପଣ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍କୁ ମଜବୁତ କରି ଲାଭ କମାଇ ପାରିବେ। ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ତୁଳନାରେ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତଥା ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ିଯିବ।